दुनिया के नक्शे में एक छोटा सा देश है इसराइल, पर यह देश इतना खतरनाक है कि जब 1948 में इसराइल नया नया बन ही रहा था तो इनके आसपास मौजूद 6 अरब देश ने मिलके इस पे हमला कर दिया था, पर इसराइल ने अकेले इन सबको हरा दिया था। और सिर्फ हराया ही नहीं था, इनको जो जमीन मिला था 44% उसको बढ़ा के लगभग 80% कर लिया था। इसराइल का खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि पूरी दुनिया में अपने खतरनाक मिशंस के लिए जाने जाते हैं, जब 1972 में जर्मनी का म्यूनिक शहर में कुछ फिलीपींस आतंकवादियों द्वारा इसराइल का 11 ओलंपिक खिलाड़ियों को मार दिया गया था, तो इसराइल ने अगले 2 दिन के अंदर 2000 फिलीपींस आतंकवादियों को मार गिराया था। और उन सब खिलाड़ियों के मौत के लिए जो जिम्मेदार था 15 साल तक उनको दुनिया के हर कोने से ढूंढ के मारा, घर में घुस के मारा। और जब 27 जून 1976 में कुछ आतंकवादियों ने इसराइल का एक प्लेन को हाईजैक करके युगांडा ले गया था, तब मोसाद ने 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में जाके उन सब आतंकवादियों को मार के उन सब हॉस्टेसेस को जिंदा वापस लाया था।